नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर के बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में कल रात भीषण आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे फायर विभाग की गाड़ियों ने आग पर दो घंटे में काबू पा लिया था। बृहस्पतिवार की रात करीब 10:30 बजे, आपको बता दें कि 11 बजे मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड नंबर 14 में भीषण आग लग गई। घटना के वक्त वार्ड में 58 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 12 मरीज आईसीयू वेंटिलेटर पर थे। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दो फायर विभाग की गाड़ियों की मदद से दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि आशंका है कि मेडिसिन वार्ड के इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। घटना के असली कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकार और इलेक्ट्रिकल्स सुरक्षा अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया कि मरीजों को वार्ड नंबर 11 में स्थानांतरित कर दिया गया और घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य गणेश कुमार ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर वार्ड की बिजली काट दी गई थी ताकि आग और ना फैले। कभी कभी मेडिसिन वार्ड में मरीजों की संख्या उपलब्ध बिस्तरों से ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में उनके लिए ज़मीन पर गद्दे डाले जाते हैं। इन गद्दों को स्टोर में रखा गया था, जिसके कारण वार्ड में धुआं भर गया। कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई है। अस्पताल में फिलहाल कोई विशेष फायर कर्मी तैनात नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसे कर्मचारी की तैनाती के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश भर्ती मरीज ने कहा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, वजह क्या थी, क्या कुछ पता चल रहा है? आज करीबन अराउंड 9:50-10 बजे रात के आसपास यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 14 जो मेडिकल इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पे जो बाहर जो इलेक्ट्रिकल रूम था वहाँ पे आग लगने से तो काफ़ी धुआं हुआ है, जिस कारण से वहाँ वार्ड क्लोज करके वहाँ पे अराउंड 58 पेशेंट्स थे, जिसमें 12 आईसीयू में थे, रेस्ट ऑक्सीजन पे थे। इन सभी पेशेंट्स को पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड नंबर 11 में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। किसी प्रकार की बर्न इंजरी या कैजुअलिटी का अभी हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स को देखा भी, तो ना कोई बर्न इंजरी है ना कोई कैजुअलिटी है। बाकी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, एग्जैक्टली द रीज़न जो है वो हम लोग असर्टेन करेंगे। CFO और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जो ऑफिसर हैं ये लोग जाँच करके इसकी एक रिपोर्ट देंगे। क्या नाम है आपका? भूलन कुमार। अच्छा, किसका इलाज कराने आप बीआरडी में आए? माता जी का। अच्छा, कौन से रूम में थे आप लोग, कहाँ थे भर्ती? 14 नंबर वार्ड में। क्या हुआ था इसको? पूरा शरीर फूल गया है और लाइट जल रहा था, तो मैं एक बार देखने गया था, सब आदमी भाग रहा था, पूरा अंधेरा हो गया, तो मैं भी पूरा बेड ही लेके भाग गया है, मरीज को और बेड भी उसी पे अकेले लेके भाग रहा था। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो कुछ सही नहीं है, घर ले जा रहे हैं, अब प्राइवेट में कराएंगे। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं देखा? कोई अच्छा, डॉक्टर अभी तक दिखा ही नहीं है, बार बार बुला रहे हैं फिर भी कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन से फ्लोर पे थी आपकी माता जी और कैसे लेकर आए अकेले आप? अब अंधेरे में सब कोई लेके भाग रहा था, हम भी लेके भाग गया है। दूसरे फ्लोर पे थे? हाँ, जहाँ दूसरे फ्लोर पे। और यहाँ की दूरी लगभग कितनी होगी? अब दूरी तो वही 6-7 मीटर थी होगा। 600 मीटर? हाँ, 600-700 मीटर होगा। अच्छा, क्या मंजर था? आप भी पेशेंट लेके भाग रहे थे कि और भी लोग लेके भाग? बहुत आदमी लेके भाग रहे थे। अच्छा, बेड सहित लेके भाग? बेड सहित लेके भाग रहे थे। क्या सोच के आप सीधा बीआरडी के गेट पे लेके आ गए? अरे, हम भी सोच रहे थे कि हम लोग भी उसी में जल जाएंगे, इसके लिए हम भी लेके भाग गए हैं। सब कोई लेके भाग रहा था तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम भी लेके भाग गए हैं। अभी आप कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आया बाहर खड़े? नहीं, कोई नहीं आया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे घर लेके जा रहे हैं, गाड़ी मंगाए हैं, गाड़ी आया है। यहाँ सब लोग हाथ खड़े कर दिए, क्या देखूंगे? नहीं, कोई नहीं देख रहा है। आपका कहाँ से? अवनीश शुक्ला, सिद्धार्थ नगर से हैं। अच्छा, क्या हुआ था? ये हम लोग आईसीयू के यहाँ मतलब कम बेड नंबर 6 में थे। तो पहले पता चला कि उधर पे आग लगी है, तो सभी लोग ये किए कि आग उधर लगा है तो उसी साइड में आग बंद हो जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पे दरवाजा बंद कर दिए। तो ये पता हुआ कि आग इधर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर और ये सब मतलब सभी लोग यहाँ पे आके कहने लगे कि अपने अपने मरीज को लेके भागिए। अब मतलब मरीज किसी भी हालत में थे, आईसीयू का वार्ड था ही, तो ऐसा हुआ कि सभी लोग जिसके पास
जो भी व्यवस्था था अपना सामान छोड़ के भाग गए थे अपने मरीज लेके। तो कई महिलाएं ऐसी थीं जिसके साथ कोई नहीं था, उनका मरीज चलने के लायक भी नहीं था, लेकिन वो भी किसी तरीके से मजबूर थी लेके चलने के लिए। फिर भी वो यहाँ से लेके निकली, हम भी अपना, हमारी मम्मी यहाँ पे भर्ती थी तो उनको लेके हम लोग आगे गए। फिर अभी देखिए हमारा सामान सारा छूट गया था पेपरों पर। नहीं, इधर तो अंदर कुछ पता ही नहीं चला, खाली यही पता चला कि उधर उस साइड में आग लगा है। कितने पेशेंट रहे होंगे? अब हमारे कमरे में 6 पेशेंट थे। और यहाँ पूरा हाल में? हाल में तो मान लीजिए 70-80 पेशेंट मिनिमम रहे। भगदड़ का माहौल था? पूरा भगदड़ का माहौल था, पूरा धुआं धुआं हो गया था। अच्छा, पहले आग लगी कहाँ? पहले आग उस साइड में लगी थी। अच्छा, तो हाँ, तो ये हुआ कि इधर आग नहीं आएगा, लेकिन AICU का इधर वाला जो दीवाल है नहीं, तो दीवाल से पूरा एकदम धुआं धुआं निकल रहा था, तब ये पता चला कि दीवाल फट जाएगी। तो यहाँ से मरीज को लेके यहाँ से कहाँ गए आपने? मरीज को लेके यहाँ से, जहाँ से जैसे कोई उठा के ले जा रहा है कोई, और किसी लेके, हॉस्पिटल के सब लोग बाहर ही गए थे, सड़क पे गए। अवनीत शुक्ला नाम है, सिद्धार्थ नगर से है।